हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेली यूजेस सेंटेंस। हम इस तरीके के सेंटेंस डेली पढ़ते हैं, जैसे कि चलो मार्केट चलें, चलो आम तोड़ें, चलो घूमने चलें, आओ लेक्चर अटेंड करें। आखिर ये सेंटेंस बनते कैसे हैं, यही इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से यदि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है तो इसी से रिलेटेड हजारों सेंटेंस आप बना पाएंगे और डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। तो चलो इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें लेट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। लेट्स जो शॉर्ट फॉर्म है, इसको लेट अस को ही हम लेट्स पढ़ते हैं। यदि आप इसका हिंदी मीनिंग पूछेंगे तो चलो होता है या आओ कोई कार्य करें, मतलब कि हम कोई कार्य करने से रिलेटेड होता है। चलो कोई कार्य करें, चलो दान करें, चलो लिखें, इससे रिलेटेड होता है। तो चलो या फिर आओ कोई कार्य करने के सेंस में लेट्स का प्रयोग करते हैं। तो हमें इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है फिर ऑब्जेक्ट। तो एक बार देख लीजिए स्ट्रक्चर, लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो घूमने चले, चलो के लिए अभी हमने पढ़ा लेट्स का मतलब चलो, आओ कोई कार्य करने के सेंस में होता है। तो चलो की जगह हम लेट्स का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ चले मतलब गो जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और घूमने को हम कहते हैं हैंग आउट। तो चलो घूमने चले, लेट्स गो हैंग आउट। चलो बारात में नाचे, चलो के लिए हम लेट्स का प्रयोग करेंगे और नाचने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डांस होगा। इन दी प्रोसेशन बारात में नाचे, चलो बारात में नाचे, लेट्स डांस इन दी प्रोसेशन। चलो मूवी देखने चले, लेट्स मतलब चलो, जाने को गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, टू दी मूवी, लेट्स गो टू दी मूवी। आओ कोई कार्य करें, अभी हमने पढ़ा कि दो सेंस में यूज किया जाता है लेट्स का, आओ कोई कार्य करने के सेंस पे, तो आओ या चलो दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आया है, आओ कोई कार्य करें, आओ कोई कार्य करें, लेट्स डू समथिंग, चलो वहां जाएं। चलो के लिए लेट्स गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वहां देयर, लेट्स गो देयर। चलो सड़क पर सेल्फी लेते हैं, लेट्स टेक सेल्फी ऑन द रोड, लेट्स टेक सेल्फी ऑन द रोड। आओ एक दूसरे से अंग्रेजी में बात करें, तो आओ या लेट्स दोनों का सेंस एक ही है, हम इसमें लेट्स का प्रयोग करेंगे। तो लेट्स बात करना मतलब टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश में विथ मतलब ईच अदर, एक दूसरे के साथ। तो लेट्स टॉक इन इंग्लिश विथ ईच अदर। चलो बिग बाजार चलें, चलो के लिए लेट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाने के लिए गो, टू बिग बाजार जो कि ऑब्जेक्ट है, लेट्स गो टू बिग बाजार। चलो रामू के घर चलें, चलो के लिए लेट्स गो मतलब कहीं जाने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, रामू के, तो यहाँ पे रामूस आएगा, ये एपोस्ट्रोफी है। जब भी हमको किसी के का की के बताना होता है रिलेटेड, तो हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। यदि एपोस्ट्रोफी का कंप्लीट वीडियो आपको देखना है तो स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में एक पूरा वीडियो रखा हुआ है जिसमें आप सीख सकते हैं। लेट्स गो टू रामूस हाउस, चलो मुन्ना लाल के बारात में नाचे, चलो लेट्स नाचना मतलब डांस, मुन्ना लाल मैरिज प्रोसेशन बारात में, लेट्स डांस इन मुन्ना लाल मैरिज प्रोसेशन। आओ गरीब लोगों की मदद करें, मदद करना हेल्प होता है जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इसलिए हम हेल्प यूज करेंगे यहाँ पे, टू पुअर पीपल मतलब गरीब लोग, लेट्स हेल्प टू पुअर पीपल। चलो तालाब में तैरें, तैरना मतलब स्विम जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, टैंक या पूल दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, टैंक और पूल दोनों का मतलब तालाब होता है। तो आप कहेंगे लेट्स स्विम टैंक या फिर लेट्स स्विम पूल। चलो पार्टी में धूम मचाएं, धूम मचाना मतलब रॉक, पार्टी मतलब पार्टी, तो लेट्स रॉक द पार्टी, लेट्स रॉक द पार्टी।
आओ बगीचे में लुका छिपी खेले। लुका छिपी को हम हाइड एंड सीक कहते हैं, और गार्डन मतलब बगीचा, और प्ले मतलब कि खेलना, तो जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेट्स प्ले हाइड एंड सीक इन द गार्डन। लेट्स प्ले हाइड एंड सीक इन द गार्डन। आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और इस तरीके के वीडियो यदि आपके दोस्तों को ज़रूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आई होप आप इस तरीके बहुत सारे सेंटेंस बना पाएंगे।